Hello aspirants, so in today's class we are going to take the topic of drainage system of Chhattisgarh जो हम लोग लास्ट दो क्लासेस से कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट दो क्लासेस में क्या देखा, हमने देखा महानदी ड्रेनेज बेसिन, जिसमें हम लोगों ने देखा सारे के सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल द रिवर्स ऑफ शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बारे में, शिवनाथ रिवर के बारे में भी, उनकी भी पूरी ट्रिब्यूटरीज हमने देखी। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव सीन द बैंक रिवर, बैंक सिटीज एंड सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स दैट आर बिसाइड दैट रिवर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में पांच ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्या क्या है, महानदी, नर्मदा, ब्राह्मणी, सोनगंगा एंड नर्मदा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग तीन जो बचे हुए हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, जो छोटे ड्रेनेज सिस्टम है वो देखेंगे। हमने दो जो बड़े ड्रेनेज सिस्टम थे, दैट वाज गोदावरी, दैट वाज 28.6% एंड द महानदी 56.4% जो कवर करता है कैचमेंट एरिया द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द दंडकारण्य एरिया, इन दोनों ने कवर किया था। और ये दोनों ड्रेनेज सिस्टम हमने देख लिया जो सबसे बड़े ड्रेनेज सिस्टम थे एंड मैक्सिमम मोर देन 75% ऑफ द छत्तीसगढ़ को ये कवर अप करते हैं, तो ये हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे विद द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सरगुजा बेसिन, दैट इज सरगुजा के इलाके का जो ड्रेनेज है, जो कि है सोन गंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सरगुजा डिवीजन है हमारा, उस डिवीजन का मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैं पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं ऊपर, उस फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्लोप ऑफ छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसका स्लोप किस साइड पे है, तो नॉर्दर्न साइड पे है। तो इन जनरल जो वहां से नदियां बहती हैं, कौन कौन सी नदियां हो गई, न्योर, गोपद, कन्हार, बनास, ये सारी नदियां जो है वो सारी की सारी सोन रिवर में जाके एसिमिलेट हो जाती हैं, और वो सोन रिवर जो है वो जाके ड्रेन करता है किस पे, गंगा पे, और गंगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सोन गंगा बेसिन। ठीक है, चलिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ द मैप ऑफ द सरगुजा डिवीजन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आज का टॉपिक है हमारा, सोन गंगा ड्रेनेज बेसिन, सोन गंगा ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, मैप ऑफ ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ सरगुजा डिवीजन। अब इसमें बना लेते हैं हम लोग क्या क्या, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, फिर हम लोग बना लेते हैं सूरजपुर, देन वी विल मेक मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एंड द कोरिया। तो ये क्या हो गया, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, ये हो गया कोरिया, दिस इज सूरजपुर, ये सरगुजा, ये जसपुर एंड दिस इज बलरामपुर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्ट बना लिए किसके, सरगुजा डिवीजन के। चलिए अब हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे इसमें सोन रिवर। लेट अस ड्रॉ, येलो में मैं बना रहा हूं सोन रिवर को। ये हो गया सोन रिवर जो छत्तीसगढ़ के ऊपर से पास करती हुई जाती है। ठीक है, तो ये रिवर का नाम क्या हो गया, दिस इज सोन। ठीक है, और ये जाके कहां मिल जाएगी, गंगा में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, सोन गंगा ड्रेनेज बेसिन, क्योंकि सोन जाके ड्रेन किस पे करती है, गंगा पे करती है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो रिवर हम लोग छत्तीसगढ़ से देखेंगे जो सोन में जाएगा, वो होगा मनेन्द्रगढ़ से, जो है बनास रिवर। ठीक है, तो ये मैं ब्लू में बना रहा हूं आपका, ये हो गया आपका क्या, बनास। ठीक है, देन द सेकेंड इज गोपद, दिस इज गोपद। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग को एक रिवर पता है क्या, जिसका नाम है रिहान, जो सरगुजा में, सरगुजा से निकलती है आपकी, कहां से निकलती है सरगुजा में, छुरी मतरिंगा हिल से। ठीक है, और वो जाके आपका सूरजपुर जाती है, सूरजपुर से फिर बलरामपुर होते हुए ये चली जाती है कहां, सोन रिवर में एसिमिलेट हो जाती है। तो चलिए हम बनाते हैं रिहान को, दिस ये जो है पाथ है रिहान का। ठीक है, तीन डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए,
और ये निकलती है यहां से, दिस रिवर इज रिहांद। कहां से निकलती है ये? छुरी मतरेंगा हिल, ठीक है। देन द नेक्स्ट रिवर इज, हमने पढ़ा था कि बखूना के हिल से दो रिवर निकलती है, एक है आपका ईब और दूसरा जो मेन पार्ट में है, और दूसरा आपका क्या है? कन्हार रिवर। तो कन्हार रिवर कहां? कन्हार रिवर जसपुर से निकल के बलरामपुर होते हुए आपकी जाती है सोन में, और जो आपका कन्हार रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी क्या मैंने बताया था आपको? चनन रिवर। और चनन रिवर में कौन सा वाटरफॉल है बताया था मैंने? पवई वाटरफॉल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चलिए हम बना देते हैं, ये बखूना हिल्स है। अब इसी में मैंने बताया ना आपको ट्रिब्यूटरी आती है, ये चनन है, ये चनन है। कंफ्यूज नहीं होना ना, चनन कभी दे दिया कि सोन गंगा बेसिन में डायरेक्टली नहीं जाती, वो कन्हार की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है, और कन्हार इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, नॉट चनन, ठीक है। सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस थिंग। कन्हार, यही कन्हार रिवर के पास में एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम मैंने आपको जब बलरामपुर पढ़ा रहा था तब बताया था, डीपा डी। डीपा डी में आपका जो शिवा नंदी है, द बिगेस्ट नंदी इन जो है वो यहीं पे आपके हैं डीपा डी में। तो आप यहां लिख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, यहाँ पे डीपा डी, ठीक है। और यहां क्या है? नंदी है, ठीक है। ये बैंक ऑफ कन्हार है, ऑन द बैंक ऑफ कन्हार रिवर, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे आपका रामानुजगंज है, और रामानुजगंज भी इसी के उसमें है, किसमें? बैंक में, रामानुजगंज, इट इज ऑल्सो ऑन द बैंक ऑफ रामानुज बैंक ऑफ कन्हार रिवर, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और अच्छा आपको जगह बताया था, महेशपुर। महेशपुर जो है वो बैंक ऑफ रिहांद है, ठीक है। किसके किसके बैंक में है? रिहान के बैंक में है, ठीक। चलिए, तो ये आप लोग मैप बना लीजिए अपने 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 नोट्स में, और इसके बाद हम लोग एक एक रिवर के बारे में ओरिजिन पॉइंट और सारी चीजें पढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए, यहां हम लोग सबसे पहले देखते हैं सोन रिवर। सोन रिवर, सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, और अमरकंटक प्लेट्यू कौन से रेंज पे है? तो आपको पता होना चाहिए सतपुरा रेंज पे है, ठीक है, सतपुरा रेंज। तो ये जो आपका है सोन रिवर, ये कहां से निकलती है अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो अमरकंटक के प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, एंड अमरकंटक प्लेट्यू इज इन सतपुरा रेंज, ठीक है। ऑल्सो आपको ये भी पता होना चाहिए सोन रिवर जो है, जनरली सारी रिवर्स जो होती हैं फीमेल होती हैं, ठीक है, फीमेल रिवर, बट सोन रिवर इज एन मेल रिवर, ठीक है, मेल रिवर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, अब हम लोग इसमें देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था बनास, ठीक है। बनास जो है ये जो बनास है, ये हिल्स दिख रहे हैं आपको, ये हिल्स का नाम है आपका मांझी टोला हिल जो भरतपुर में है। तो आपको इसका ओरिजिन पता होना चाहिए कहां से? मांझी टोला हिल, दैट इज इन भरतपुर। भरतपुर कहाँ है? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं देवगढ़ चांगबखार हिल है, यही आपका जो मैंने बताया था ना आपको, ये पूरा हिल्स है, ये देवगढ़ चांगबखार हिल्स, तो ये भी क्वेश्चन में आता है। तो देवगढ़ चांगबखार हिल से बनास निकली है, तो इट विल बी राइट। अब इसमें एक वाटरफॉल भी आपका, यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है जिसका नाम है रामदाह, तो इसमें कौन सा वाटरफॉल है? रामदाह वाटर फॉल, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट इज गोपद। गोपद कहां से ओरिजिनेट होती है? तो आपको बताना चाहिए सोनहट प्लेट्यू से, सोनहट प्लेट्यू। देखिए, अब आपको फायदा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, जो हमने 15 क्लासेस की हैं, कि जो 10-12 क्लासेस कुछ की है हम लोगों ने, किसकी? डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लासेस, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो आप देख रहे होंगे, मैंने रामदा पहले बताया हुआ है, मैंने बनास रिवर पहले बताया हुआ है, मांझी टोला पहले बताया हुआ है, देवगढ़ चांद बखार पहले बताया हुआ है, हर चीज मैंने।
अब उस टाइम पे आपने सब चीजें सुन रखी हैं, आपको कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द हेड मेमोरी में था चीजें, तो इसलिए अब आपको हर चीजें कोई टर्मिनोलॉजी, कोई वर्ड एक या जगह का नाम नया नहीं लग रहा है, तो इट विल बी इजी टू ग्रेस्प। इसीलिए आई हैव टेकन द पेन फॉर दैट 12 to 13 क्लास। यहां से भी हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें वो जो पढ़े हैं हमने 12 to 13 क्लासेस में वो रिपीट ही होनी है इन डेप्थ। बट वो जो 12-13 क्लासेस थी वो ऐसी थी कि जिससे आपका बेस तैयार हो जाता है छत्तीसगढ़ जीएस के लिए, ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दोज क्लासेस फॉर द गुड, आपको समझ आने के लिए, ठीक है। चलिए गोपद हमने देख लिया कहां से, सोनहट प्लेट्यू। देन द थर्ड रिवर वी विल सी दैट द थर्ड रिवर दैट इज न्यूर रिवर। न्यूर रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूर रिवर एक्चुअली यहां से जाती है, ये बाउंड्री बनाती है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाउंड्री छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। फिर फोर्थ रिवर हमने देखा रिहान। रिहान मैंने कहां से दिखाया आप लोगों को, कहां से निकलती बताया, छुरी मतरिंगा बताया मैंने, तो आपका ओरिजिन क्या हो जाएगा इसका, छुरी मतरिंगा हिल्स सरगुजा। और वाटरफॉल कौन सा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए रक्सकंडा, ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो आपको वापस रिपीट हो रहा होगा, तो एज अ रिविजन ही हो रहा है आपकी अब क्लासेस ये, ठीक है। रक्सकंडा वाटरफॉल, रक्सकंडा वाटरफॉल कहां पड़ता है, सूरजपुर में, क्योंकि रिहान जो है तीन डिस्ट्रिक्ट से जाती है, तो रक्सकंडा वाटरफॉल आपका यहां पे पड़ता है, ये है आपका रक्सकंडा वाटरफॉल, ठीक है। ये देखिए मैप में, तो ये क्या है, सूरजपुर है, तो सूरजपुर में पड़ता है आपका रक्सकंडा वाटरफॉल। अब उसके बाद ये आखिरी आपका है कन्हार, तो कन्हार ये आपका जो कहां से निकलती है, ये बखूना की हिल्स है, ये वाली बखूना हिल्स, तो बखूना हिल्स कहां पड़ता है, बगीचा तहसील में पंडरा पार्ट में जसपुर में, तो आपको ये सब चीजें लिखनी है इसमें का कन्हार, ठीक है। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बखूना हिल, ठीक, कहां पे, ये पंडरा पार्ट में, पंडरा प्लेट्यू, ठीक है। ऑल्सो इसमें लिख सकते हैं आप लोग बगीचा तहसील, तहसील पूछ दिया तो बगीचा तहसील है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है फिर, जसपुर। तो देखिए आपको हर चीजें इतनी डीपली भी पता होनी चाहिए कुछ कुछ, देखिए आप जब रिवीजन करते रहेंगे, जब पता रहेंगे चीजें, आपको किसी भी चीज को पूछे कि हिल्स वाइज पूछ दिया कन्हार, एक क्वेश्चन ये बनता है, प्लेट्यू वाइज पूछ दिया तो पंडरा पार्ट बनता है, बगीचा तहसील वाइज पूछ दिया तो बगीचा तहसील बनता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ दिया जसपुर, तो चार क्वेश्चन एक ही टॉपिक में आ सकता है, कि ये क्वेश्चन एक ही रहेगा, कन्हार रिवर कहां से निकलती है, बस ऑप्शन में चेंजेस करके, अगर सारे ऑप्शन हिल्स के बारे में दे सकता है तो बखूना हिल्स आपको टिक करना, सारे ऑप्शन आपको तहसील के बारे में देगा तो आपको क्या लगाना है उसमें, बगीचा तहसील लगाना है, और वैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ देगा तो आपको जसपुर लगाना है, तो यू है, और अगर प्लेट्यू वाइज पूछ देगा तो पांड्रा पार्ट लगाना है, पांड्रा प्लेट्यू। तो आपको इसीलिए बोलते हैं क्या कि आपको सब चीजें डीपली समझ आनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था यहाँ पे कि रामानुजगंज जो है वो कन्हार रिवर के बैंक पे है, ठीक है। चलिए लेट अस टेक, ये आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम अब खत्म हो गया है, इतना ही है सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए गाइज, आप लोग कहीं क्लासेस कर रहे हैं तो आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको रिवीजन, देखिए कोई भी आपकी क्लास या कोई भी सब्जेक्ट आपका खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जैसे ये आपने क्लासेस कर ली आज, तो आप आज एक बार इसको पढ़ लीजिए शाम को, ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ गया, फिर 15 फिर एक हफ्ते 10 दिन बाद आप मान के चलिए आफ्टर 10 डेज आप फिर एक बार इसका रिविजन कर लीजिए, इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स एक एक क्लासेस को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। फिर आप उसको 15-20 दिन बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए, वैसे ही फिर आप एक महीने बाद एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, तो टिल द टाइम ऑफ दिवाली आज से 3-4 महीने बाद जबकि बात होगी, तब तक आपके ये सारे चीजें क्रिस्पली आपको याद होंगे दिमाग में, देन आपका जो टाइम बचेगा क्या, दिवाली के बाद का टाइम जो आता है, उस पर्टिकुलर टाइम में आप मल्टीपल रिविजन एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, एंड दीज, ये तो मटेरियल आप रिवाइज करते ही रहेंगे, बट आपको उस टाइम काफी कम टाइम लगेगा, स्किम करना पड़ेगा आपको बस उस टाइम पे, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको
दिमाग में बैठ जाएगा आपका नोट्स कि इस जगह पे ये लिखा है और ये आंसर पे होगा, तो इसलिए मल्टीपल रिविजन करिएगा सारे नोट्स का। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक अब देखते हैं कौन सा ड्रेनेज सिस्टम अब दूसरा हम लोग को देखना है। तो दूसरा ड्रेनेज सिस्टम हम लोग देखते हैं, फोर्थ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो है ब्राह्मणी फ्लो ड्रेनेज सिस्टम। इसमें बहुत ही छोटा सा ड्रेनेज सिस्टम है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप लोगों को एक ही डिस्ट्रिक्ट में बना देता हूं, आप लोग को पूरा मैप की जरूरत नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट है आपका जशपुर, और इस जशपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ही रिवर आती है हमारे जो छत्तीसगढ़ में, एक ही रिवर जाती है ब्राह्मणी जो सिस्टम में है, वो भी आती बाहर से है और यहां से बस क्रॉस करके चली जाती है। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम में कौन सी रिवर आती है, तो उसका नाम है शंख रिवर, ठीक है बस। और ये ड्रेनेज ये जाके ब्राह्मणी में जुड़ जाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम भी है। तो इसका पूरा ड्रेनेज कहीं आप इलाका निकालेंगे तो बहुत ही छोटा सा इलाका निकलता है, दैट इज इक्वल टू 1423 स्क्वायर किलोमीटर, बस इतना ही ड्रेन करती है ये छत्तीसगढ़ में, 1423 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अब ये वाला ड्रेनेज सिस्टम में और कुछ है नहीं। नाउ एक आखिरी ड्रेनेज सिस्टम हम देख लेते हैं, दैट इज अ वेस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम नर्मदा। देखिए नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ड्रेनेज सिस्टम। अब नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज बेसिन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, नर्मदा इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट फ्लोज बिटवीन द विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन हिल्स, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो इंडिया का भी आपका स्लोप है वो किधर के पास है, तो आपका वो ईस्टर्न साइड पे है, इसीलिए महानदी जितनी गोदावरी बड़ी बड़ी नदियां सब उधरी जाती हैं। अब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तो ये सारी रिवर रिफ्ट वैली से जाती हैं। अब रिफ्ट वैली क्या होता है, देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये जो पहाड़ होते हैं पहाड़ को काटते हुए जाती हैं ये नदियां। तो आप हमेशा देखेंगे नर्मदा या वेस्ट फ्लोइंग रिवर जनरली उनके साइड्स में काफी स्टीप कटिंग होती है, क्योंकि वो उसका कटिंग का मेन रीजन क्या है कि नदियां लाखों करोड़ों साल से बहते बहते उसको धीरे धीरे वो माउंटेन और ये रॉक्स को काटते हुए गई हैं, तो इसीलिए वो जो है उसका जो वे होता है हमेशा एक बहुत तेज वे में होगा, एक नैरो होगा, नैरो के साथ साथ वो बहुत स्टीप होगा और वो बहुत पथरीला इलाका होगा। तो इसीलिए बोलते हैं रिफ्ट वैली से जाती है क्या नर्मदा, और आपको देखने को मिलेगा वो दो अलग अलग माउंटेन रेंजेस के बीच से जाती है जिसका नाम है सतपुरा एंड विंध्याचल रेंजेस, ठीक है। ऑल्सो नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है आपको ये पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नर्मदा में दो रिवर आके मिलती हैं जिनका नाम है ताड़ा एंड बंजार। अब ये ताड़ा एंड बंजार जो है वो दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है कबीर धाम। तो ये देखिए दो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें दो ही चीज याद रखना है, जसपुर संघ ब्राह्मणी, ताड़ा बंजार कबीर धाम दैट गोज टू नर्मदा। तो ये आप देखिए डिस्ट्रिक्ट बना रहा हूं मैं, ये है आपका कबीर धाम, ठीक है कबीर धाम। अब इससे जाती है क्या, मैंने बोला दो रिवर, ये ऐसा ये आपका हो गया, दोनों मिल जाती है और ये जाके जुड़ जाती है नर्मदा में, ठीक है हाँ नर्मदा में। ये आपका ताड़ा है और ये आपका बंजार है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, देखिए ये ऐसा होता है ना, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो किधर फ्लो कर रहा है, ये वेस्टर्न डायरेक्शन में, इसीलिए इसको बोल रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। और ये नर्मदा जाके मिलती कहां है, अरेबियन सी में जाके, गुजरात में जाके ये अरेबियन सी में कॉन्फ्लुएंस कर जाती है, ठीक है। और तो ये सबसे बड़ी रिवर है कहां कॉन्फ्लुएंस करने वाली, अरेबियन सी में, तो आपको पता होना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे इंडिया में मैंने बताया आपको कि नर्मदा सबसे बड़ी रिवर है, छत्तीसगढ़ में वेस्ट फ्लोइंग मतलब नर्मदा सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में, तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, सब क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो शिवनाथ मैंने बताया 290 किलोमीटर ट्रेवल करती है, महानदी में मिलती है शिवरी नारायण में, वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर बंजार है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब तो हमारे पांचों ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गए हैं, अब हमारे पास टॉपिक बचा है। देखिए टॉपिक क्या बचा है, टॉपिक नहीं है, हमने सारे डिस्कस किए हैं बट एक कॉन्सोलिडेटेड वे में आपके पास लिखा रहे, इसलिए मैं अच्छे से आपको लिखा दे रहा हूं, तो लिखते चलिए आप मेरे साथ कि कौन कौन सी लाइफ लाइन रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ है। मैंने कई बार बता दिया ये आपको, लाइफ लाइन रिवर ऑफ छत्तीसगढ़,
सबसे पहले कौन सी? रिहांद। रिहांद को कहां का लाइफलाइन बोला जाता है? सरगुजा का। क्वेश्चन में पूछता है ये। सेकेंड इज महानदी। महानदी को कहां का लाइफलाइन बोला जाता है? तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का, पूरे छत्तीसगढ़ का लाइफलाइन बोला जाता है, ठीक है। थर्ड इज इंद्रावती। कमेंट में बताइए इंद्रावती को कहां का बोला जाएगा, फिर बताइए, पॉज कीजिएगा, कमेंट करिएगा कहां का बोला जाएगा इंद्रावती को, लॉजिक लगाइए, बस्तर, ठीक है। चलिए, तीन लाइफलाइन रिवर हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे क्या, वाटर डिवाइड। दो वाटर डिवाइड मैंने आपको बताए हैं, वो दोनों वाटर डिवाइड यहां देखेंगे, जो दो मेन माउंटेन रेंजेस है छत्तीसगढ़ में, एक है मैकाल रेंज और दूसरा है आपका केशकाल घाटी। ये दोनों के दोनों रेंजेस जो है आपके वाटर डिवाइड का काम करते हैं, किसके किसके बीच में, अब ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। वाटर डिवाइड, सबसे पहले हम देखते हैं किसको, मैकाल हिल्स को। तो मैकाल हिल्स एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड महानदी। नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम और महानदी ड्रेनेज सिस्टम के बीच में आया ना आपका मैकाल रेंज, कबीरधाम से जाता है ना राजनांदगांव टू, आप बोलते कहां तक है, राजनांदगांव से मुंगेली तक जाता है, तो मुंगेली के बीच में कबीरधाम पड़ता है, तो वो कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट से भी आपका मैकाल रेंज जाता है, और जो कबीरधाम का डिस्ट्रिक्ट है वहीं से आपकी बंजार और ताड़ा निकल के कहां जाती है, नर्मदा की ओर। तो इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा ड्रेनेज बेसिन एंड जो इसके इधर कबीरधाम के इधर कौन सा ड्रेनेज बेसिन है, जो बेमेतरा दुर्ग से जाता है वो शिवनाथ है, शिवनाथ ड्रेन करती है महानदी में, और रायपुर के डिवीजन से कहां पूरा जाता है, शिवनाथ ड्रेन करती है महानदी में, कहां पे, शिवरी नारायण में। तो एट द एंड जो शिवनाथ है वो आपका किस बेसिन पे आ रहा है, महानदी बेसिन, तो इसलिए बोलते हैं इट एक्ट एज अ डिवाइड बिटवीन वॉटर डिवाइड बिटवीन महानदी बेसिन एंड आपका नर्मदा ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। द नेक्स्ट इज केशकाल घाटी। केशकाल हिल्स या घाटी जो है ये आपका डिवाइड वाटर डिवाइड, देखिए अब केशकाल कहां पड़ता है, कांकेर के पास पड़ता है, कांकेर के ऊपर क्या है, दुर्ग डिवीजन है इधर पे लेफ्ट पे, और राइट पे आपका रायपुर डिवीजन। अब कांकेर के नीचे कौन सा है आपका, तो बस्तर डिवीजन है पूरा का पूरा, तो आपका ये किसके बीच में एक्ट करेगा, बस्तर डिवीजन में कौन सा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा हमने, हमने पढ़ा वहां गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, और ऊपर क्या पढ़ा हमने, तो हमने महानदी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा। तो इट एक्ट, देखिए लॉजिक है सब चीज के बारे में, याद नहीं करना है, समझ गए एक बार तो लॉजिकली आपको आंसर आएंगे, तो इसलिए बोल सकते हैं आपके केशकाल एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन महानदी ड्रेनेज बेसिन एंड द गोदावरी ड्रेनेज बेसिन। ऑल्सो आपका ये भी बोल सकते हैं इसमें कि जो आपका केशकाल घाटी है इट एक्ट्स एज अ डिवाइड बिटवीन दंडकारण्य एंड महानदी प्लेन्स, अगर फिजियोग्राफिकली देखना चाहें तो। हमने क्या क्या देख लिया, लाइफ लाइन रिवर देख लिया, वाटर डिवाइड देख लिया, अब हम देखेंगे थर्ड टॉपिक, दैट इज द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिवर कहां कहां होते हैं, क्वेश्चन में आता है। चलिए, तालागांव में कौन कौन सा होता है, चलिए बताइए, तालागांव बिलासपुर में पड़ता है, जहां पे आपका शिवनाथ और मनियारी आके मिलती है, तो मनियारी शिवनाथ कहां से निकलती है, पान बरस से। सेकेंड ऑफ सिटी देखेंगे हम शिवरी नारायण, शिवरी नारायण में क्या क्या मिलती है, महानदी, जोंक एंड शिवनाथ। महानदी, जोंक प्लस शिवनाथ, शिवनाथ जोंक, जो जोंक है आपका वो महासमुंद से आती है ना, महासमुंद से आती है, जोंक लात एंड कुदार हमने पढ़ा था कहां, महासमुंद से, तो वही एक जोंक रिवर जो महासमुंद से आती है वही ये रिवर है। थर्ड हम पढ़ेंगे अब चंद्रपुर, चंद्रहासिनी टेंपल जहां पे है चंद्रपुर, तो चंद्रपुर में मैंने बताया था आपको दो रिवर आके मिलती है, तीन रिवर आके मिलती है, सॉरी, जो कि दो रिवर होती है आपकी कहां से, महासमुंद से, और एक तो आपकी महानदी जाती है,
दो रिवर कौन सी हो गई आपकी, मांड एंड लात। लात जो रदन हिल्स हमने पढ़ा था ना, रदन हिल्स से निकलती है, तो मांड, तो ये महानदी प्लस मांड प्लस लात। ठीक, चलिए फोर्थ पढ़ते हैं हम, सोमनाथ। सोमनाथ में आपकी क्या, सोमनाथ बलौदा बाजार में है, और सोमनाथ में आपकी जो खारून है, खारून जिसमें हमने कपिलेश्वर महादेव, खरनेश्वर महादेव पढ़ा था, कपिलेश्वर बोल रहा हूँ, खरनेश्वर महादेव हमने पढ़ा था, खरुनेश्वर महादेव, ये जो खरनेश्वर कपिलेश्वर महादेव हमने बालोद में पढ़ा था, ठीक है ना, बालोद में पढ़ा था, कुलेश्वर महादेव राजिम में पढ़ा था, वैसे करनेश्वर खरनेश्वर महादेव खरुनेश्वर ये हमने पढ़ा था खारून के पास में, और यही जो है आपकी खारून जो है आके मिलती है शिवनाथ नदी से, शिवनाथ रिवर से, कहां पे, तो आपको पता होना चाहिए वो जगह है आपका सोमनाथ। तो शिवनाथ प्लस खारून, पांचवा आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है वो है राजिम, जहां पे कुंभ मेला या पुन्नी मेला होता है, वही कुंभ मेला को 2019 के बाद अब पुन्नी मेला बोला जाता है, ठीक है ना, उसी को नाम को चेंज कर दिया गया था। तो उसमें मिलती है आपकी महानदी, पैरी एंड सोंदूर, और कुछ बचा क्या, तो एक बचा है आपका खैरागढ़। खैरागढ़ में मिलती है आपकी कौन कौन सी तीन नदियां, पिपरिया, मुस्का एंड आप बताइए एक कौन सा है और, छठवा, पिपरिया और मुस्का वही मेन नदी के साथ मिलती है, उसका नाम है आमनेर, ठीक है ना। खैरागढ़ इसमें हो गया आपका पिपरिया, मुस्का एंड आमनेर। अब सातवां आपका क्या जगह हो गया, तो एक आपका कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट, जहां इंद्रावती रिवर गोदावरी से मिलती है, जहां गोदावरी 15 किलोमीटर के लिए ट्रेवल करती है, जहां भद्रकाली टेम्पल है, उस जगह का नाम है भद्रकाली, जो है आपका कहां, डाउन साउथ में, कहां, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताइए, कमेंट में बताइएगा। चलिए एक हिंट दे देता हूं मैं, ये सुकमा के बाजू वाला डिस्ट्रिक्ट है, नाउ द एट इज सबरी का कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट, ये लिख लीजिए कुनावरम, ये भले छत्तीसगढ़ में नहीं है मगर कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है, छत्तीसगढ़ से एक जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है सबरी प्लस गोदावरी, कुनावरम को लिख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में वो, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आठ के आठ जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है छत्तीसगढ़ के, वो सारे हमने लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके नोट्स में ऐसे ही प्रिपेयर होके रहने चाहिए, ये सारे नोट्स में प्रिपेयर रहेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा, क्या करने के लिए, आपको पढ़ने के टाइम काफी इजी पड़ेगा। देख रहे हैं आप, एक जगह पे आप पढ़ लिए सारे, आप कंफ्यूजन खत्म, चार बार इसको आप रिवाइज कर लिए तो आपको ये लगेगा नहीं कि चंद्रहासनी में मांड लात है कि झोंक लात है, आपको याद हो जाएगा ना पांच सात बार इसको पढ़ने के बाद, तो इसीलिए नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग करेंगे क्या, द बैंक सिटीज, ये भी कई बार पूछ देता है तो लिख लीजिए, बता तो मैंने सब दिया है, फिर भी नोट्स रहता है तो अच्छा रहता है, बैंक सिटीज ऑन द बैंक ऑफ द सिटीज ऑन द बैंक ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स। सबसे पहले अभी आखिरी में मैंने बताया कि रामानुजगंज, ये इसके बाजू में किधर पड़ता है, कन्हार रिवर के बैंक पे पड़ता है, ठीक है। सेकंड इज तखतपुर बिलासपुर में है, बिलासपुर में ये मनियारी के पास पड़ता है, ठीक है। देन द थर्ड इज बिलासपुर, तो बिलासपुर का तो आपको मैंने बताया था, सेंटर से बिलासपुर के क्या जाती है, अरपा, और उसी अरपा पे पड़ता है बिलासपुर, तो आप लिखते चलिए अरपा। देन वी हैव द फोर्थ जगह ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज मल्हार, बहुत आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, इसमें लीलागढ़ रिवर यहां से बहती है, लीलागढ़, इसको निडाला भी बोलते हैं, निडाल, ठीक है। देन द फिफ्थ इज कोरबा, चापा, पीथमपुरा, तो आप लिख लीजिएगा कोरबा, चापा एंड पीथमपुरा, यहां से जाती है आपकी हसदेव, कहां से जाती है हसदेव, कोरबा, चापा एंड पीथमपुरा से, ठीक है। देन द सिक्स्थ इज रायगढ़,
रायगढ़ में, रायगढ़ से कौन सी जाती है, केलो, मतलब जाति इन द सेंस बैंक है, रायगढ़ सिटी इज एट द बैंक ऑफ केलो रिवर, ठीक है। जितना भी मैं बता रहा हूं यहाँ, जैसे कि कोरबा, चांपा, पीथमपुरा, ये हसदेव के बैंक में है, ठीक है, बैंक सिटीज बता रहा हूं मैं अभी आपको। सेवेंथ इज, अब ये राजनांदगांव के लिए, अब ये शिवनाथ के लिए देख लीजिए, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, शिवनाथ के लिए राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, सोमनाथ, ठीक है, धमदा, फिर आपका बेमेतरा, सॉरी गलत बोल दिया मैं, धमदा, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट से धमदा, फिर सोमनाथ हो गया आपका, सोमनाथ के बाद आपका मजूली हो गया, फिर मजूली के बाद आपको और कौन सा है इंपॉर्टेंट, तालागांव, तालागांव, देन व्हाट वी हैव इंपॉर्टेंट और क्या है, शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण, तो इन सबसे शिवनाथ जाती है। बालोद से कौन सी जाती है, तो बालोद से आपकी जाती है तांदुला, बालोद इज एट द बैंक ऑफ तांदुला रिवर, तांदुला डैम है ना वहां। इसके बाद तर्री घाट, तर्री घाट आपका किसमें है, खारून, ठीक है, तर्री घाट, तर्री घाट पड़ता कहाँ है, रायपुर में पड़ता है, और रायपुर में ये खारून है, खारून रिवर पे, ठीक है। देन वी हैव आपका चंपारण, चंपारण हो गया, सिरपुर हो गया, शिवरी नारायण हो गया, सब महानदी पे है। इसके बाद वो तो पता ही होगा आपको महानदी, इसके बाद आपको दो जगह बता रहा हूँ आर्कियोलॉजिकल साइट, जो कि होगी सीताबाड़ी एंड सिरकट्टी, तो सीताबाड़ी सिरकट्टी पैरी पे है, सीता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीताबाड़ी ये आर्कियोलॉजिकल जगह भी है, सिरकट्टी ये कहाँ पे है, पैरी पे है, किस पे है। देन द इलेवेंथ इज कांकेर, कांकेर इज एट द बैंक ऑफ दूध रिवर, ठीक है, और महानदी भी वहां से बहती है कांकेर से, तो दूध एंड महानदी बोथ। फिर द ट्वेल्थ यू कैन राइट कोंडागांव, काफी बार क्वेश्चन पूछा है कोंडागांव इज अ बैंक सिटी ऑफ विच रिवर, तो आपको पता होगा नारंगी रिवर, मैंने बताया था ना आपको कोंडागांव नारंगी। अब आपका आखिरी है जगदलपुर, भोपालपट्टनम, ये सारी सिटीज किसके हैं, भोपालपट्टनम हो गया, भद्रकाली हो गया, बारसूर हो गया, ये सब इंद्रावती के बैंक पे हैं, भद्रकाली हो गया, बारसूर हो गया, ठीक है, और कौन सा बोला मैंने, जगदलपुर हो गया, भोपालपट्टनम हो गया। मैं कोई भी चीज को शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप फुल लिखिएगा, ठीक है, ये सब इंद्रावती के कॉन्फ्लुएंस में, इंद्रावती के बैंक पे है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये जितना भी रिवर सिस्टम से रिलेटेड हमको पढ़ना था वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है यहाँ पे, क्या क्या चीजें पढ़ ली हम लोगों ने देखते हैं आज की क्लास में। तो हमने सबसे पहले देखा आज क्या, हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट किया हम लोगों ने क्लास को, ड्रेनेज सिस्टम देखा, और इस ड्रेनेज सिस्टम में हमने सबसे पहले देखा क्या, सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम। इस सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम में हमने क्या क्या रिवर देखे, तो हमने देखे सबसे पहले हमने देखा कि सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम का नाम सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम है क्यों। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट क्या देखा हम लोगों ने, कि सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। इसमें हमने देखा पहले बनास, फिर गोपद देखा, फिर गोपद के बाद रिहान, हमने रिहान देखा, रिहान के बाद हमने कन्हार देखा, उसी के साथ साथ हमने और क्या देखा, कन्हार की हमने ट्रिब्यूटरी देखी क्या, चनन रिवर, ठीक। इसके बाद हमने सारी चीजें कहां कहां से कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है वो देखा, जैसे सोन रिवर आपका अमरकंटक से है, बनास आपका मांझी टोला, गोपद आपका सोनहट से है, नेऊर आपका कहां छत्तीसगढ़ है, बाउंड्री बनाता है, फिर रिहान कहां से है, तो छुरी मतरिंगा से है मैंने बताया, कन्हार कहां से है, तो बखोना हिल, पंडरा प्लेट्यू और क्या जसपुर डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, बगीचा तहसील। इसके बाद वी हैव सीन द टू डिफरेंट जो छोटे छोटे हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि एक ब्राह्मणी था, जो जसपुर में ही एक रिवर आती है, बाहर से ही आती है और बाहर से ही निकल जाती है, वो है संख रिवर, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। देन वी हैव टेकन द टॉपिक ऑफ नर्मदा, और हमने उसमें क्या समझा, हमने समझा उसमें कि क्यों उनको वेस्ट फ्लोइंग बोला जाता है, रीजन क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर का, रिफ्ट वैली बोलने का या स्टीप होने का, या फिर उसको जो इतनी कम नदियां होने का इंडिया में वेस्टर्न साइज में, ठीक है, स्लोप हमने कंसेप्ट पढ़ा उसका। इसके बाद वी हैव सीन टू रिवर्स ऑफ नर्मदा, जो नर्मदा में जाके छत्तीसगढ़ से जाती है कबीर धाम से, दैट इज बंजार एंड ताड़ा, और बंजार सबसे बड़ी रिवर है, हमने ये देखा। फिर आफ्टर दैट वी हैव सीन द लाइफ लाइन रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, दोज आर रिहान, महानदी एंड इंद्रावती, हमने ये देखा, उसका लॉजिक समझा क्यों कहां कैसे, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा वाटर डिवाइड, क्यों वाटर डिवाइड हम बोलते हैं यहाँ पे माइकाल और केशकाल घाटी को, और आखिरी हमने फिर देखा कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट
जो नदियां हैं हमारी छत्तीसगढ़ में उनके बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने आखिरी देखा है सारे के सारे बैंक सिटीज। तो अब आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका नोट्स प्रिपरेशन करना, और ये सारे आपके पास नोट्स में नहीं रहेंगे तो आपके दिमाग में होगा भी नहीं। तो आप सब नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक जो देखेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा, दैट आर वाटरफॉल्स इन द डिसॉल्व रिवर्स, जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है, एंड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और इसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो टॉपिक है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का टॉपिक में अब दो ही टॉपिक बचे हैं, दैट इज वाटरफॉल एंड आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो गाइस कीप स्टडिंग, टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।